स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है आपका। हम लोग जो अभी जो सिलेबस हमारा चल रहा है वो चल रहा है आपका व्हाट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, तो पूरा हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, सेकेंड ये हमारा ट्यूटोरियल है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा हो तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है वो आप देख लीजिएगा। आज हमारा डिफरेंस है दोनों में कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब व्हाट दी कंप्यूटर डज, मतलब कंप्यूटर क्या करने वाला है ये डिफाइन करता है आपका आर्किटेक्चर। दी ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हाउ इट डज इट, मतलब कैसे वो वर्क परफॉर्म करेगा, किसके थ्रू परफॉर्म करेगा, वो आपका डिफाइन करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आर्किटेक्चर डील विद दी फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के जो फंक्शनल बिहेवियर है, कोई फंक्शन आपने बनाया वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे आपका इंस्ट्रक्शन आप देंगे वो इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क परफॉर्म करेगा, वो डिफाइन करता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जबकि ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील विद दी स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप मीन्स आपका सिस्टम पेरिफेरल डिवाइस को कैसे कनेक्टेड कर रहा है, कोई इनपुट डिवाइस कैसे कनेक्टेड है, कैसे डेटा वो एक्सेस कर रहा है, कैसे आउटपुट आपको रिटर्न कर रहा है, वो डिफाइन करता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन आपका प्रोवाइड करता है वो करता है आपका आर्किटेक्चर। जबकि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इट डील विद द कंपोनेंट ऑफ अ कनेक्शन इन अ सिस्टम, सिस्टम से आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है, जैसे माउस कैसे कनेक्टेड है, कीबोर्ड कैसे कनेक्टेड है, सीपीयू मेमोरी यूनिट आपके कैसे कनेक्टेड है, वो डिफाइन करता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एंड आर्किटेक्चर आपका जो डिफाइन करता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन है आपका वो कैसे होगा, कैसे डिफाइन होगा, वो डिफाइन करता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, अ प्रोग्रामर कैन व्यू आर्किटेक्चर इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर। प्रोग्रामर अगर देख रहा है कि कैसे आर्किटेक्चर कैसे बना है आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर, तो वो चेक करेगा प्रोग्राम जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शन आपने यूज किए हैं, एड्रेसिंग मोड आपने क्या यूज किए हैं, कौन से रजिस्टर आप यूज करें, वो डिफाइन करता है आपका आर्किटेक्चर के अंदर। जबकि ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस द रियलाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का रियलाइजेशन मतलब आर्किटेक्चर कैसे रिलाइज करा है, रिलेबिलिटी क्या है उसकी, कैसे वो वर्क टास्क परफॉर्म करेगा, वो आपका ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनाइज करेगा आपका। यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन आपका बाहर का स्ट्रक्चर होता है एंड जो इंटरनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं वो आपका आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील विद हाई लेवल डिजाइनिंग इशू, इसमें क्योंकि आपका हाई लेवल डिजाइनिंग इशू आ सकते हैं, जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील विद द लो लेवल डिजाइनिंग इशू, इसमें आपका लो लेवल डिजाइन इशू आता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली आप इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करें, आप क्या है एक्सटर्नल में ही सब कुछ करें, तो आपका ये लो लेवल पे डिजाइन हो सकता है। इसको डिजाइन करने के लिए आपको हाई लेवल डिजाइनिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, क्योंकि आप सारा जो है इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करेगा, कौन सा रजिस्टर आपका, किस रजिस्टर में कैसे आप स्टोर करेंगे डेटा, वो आपका किसके अंदर डिफाइन होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन होता है, इसलिए इसको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली कॉल्ड माइक्रो आर्किटेक्चर, इसको माइक्रो आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केवल आप क्या करें डायरेक्टली सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑर्गेनाइज करें सिस्टम के इनपुट आउटपुट कैसे ऑर्गेनाइज रहेंगे, कैसे वो डील करेंगे, वो डिफाइन करें आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्राइज लॉजिकल फंक्शन सच एज, इसके अंदर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, इंस्ट्रक्शन है, सेट है आपका, रजिस्टर है, डेटा टाइप है, एड्रेसिंग मोड है, ये कैसे आप डील कर रहे हैं, कैसे इनको कनेक्ट कर रहे हैं, वो डिफाइन करता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फिजिकल यूनिट लाइक सर्किट डिजाइन, पेरिफेरल्स एंड एड्रेस, मतलब आपका पेरिफेरल डिवाइस कैसे कनेक्टेड है, सर्किट कैसे डिजाइन है, वो डिफाइन करता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करना कंप्यूटर को, वो आपका आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। आर्किटेक्चर का मतलब है इंटरनल फंक्शनैलिटी आपकी है, लॉजिकल फंक्शन आपके कैसे वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका आता है आर्किटेक्चर के अंदर। तो अगर हम लोग बेस्ट की बात करें तो आर्किटेक्चर आपका प्रॉपर व्यू होता है आपका सिस्टम का डिजाइन का। तो ये आपके डिफरेंस थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का पार्ट है। थैंक यू स्टूडेंट।